अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रेप क्लास के उर्दू कायदा के सफा नंबर 15 की लिखाई की प्रैक्टिस करवाऊंगी। आइए सबसे पहला लफ्ज हम लिखते हैं आज। अलिफ मन आ, जीम आज। यहां से सही गुलाई में आप जीम को लेकर आए और जीम का डॉट यहाँ पे डालना है, ऊपर नहीं आपने डालना है। ठीक हो गया। अली मत आ जी आज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाज। बेरी बा कैसे राइट करेंगे? बे की आधी शक्ल के साथ अलिफ को ज्वाइन किया तो बेरी बा जीम बाज। बे अली बा जीम बाज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ताज। इसी तरह से ते की आदि शक्ल के साथ अलिफ को ज्वाइन किया, क्या बन गया ये ते अलिफ ता। साथ में किसका साउंड है? जीम का साउंड है। जीम राइट करेंगे ते अलिफ ता जीम ताज। नेक्स्ट वर्ड है इसी पेज का हमारा चा। कैसे लिखेंगे? पहले सबसे किसका साउंड आ रहा है? चे का। तो चे की आधी शक्ल बनाई और साथ में अलिफ को ज्वाइन किया तो क्या बन गया? चे अलिफ चा पे चा। चे की आधी, चे को आपने लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा के लिखना है, लाइन से इसको टच नहीं करना। चे की आधी शक्ल के साथ अलिफ को लिखा, चे अलिफ चा पे चा। इसी तरह से आगे वर्ड है चार्ट, उसी तरह से लिखेंगे चे अलिफ चा, चे के थ्री डॉट्स, टे चार, टे का तो ही बनाया लाइन से थोड़ा सा ऊपर करके, चे अलिफ चा टे चार्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है चाचा। जैसे भी चे अलिफ चा मैंने आपको लिखना बताया, चे की आधी शक्ल के साथ अलिफ बनाया, चे अलिफ चा, दो दफा चे अलिफ चा लिखा तो क्या बन गया? चे अलिफ चा चाचा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाजा। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा पहले भी आपको लिखना बताया है, बे की आधी शक्ल के साथ अलिफ को बनाए, बे को यहां से थोड़ा सा लाइन से ऊपर उठा के यहां से लाइन से टच करना है। इसी तरह से जीम अलिफ चा कैसे बनाएंगे? जीम की आधी शक्ल और साथ में अलिफ बना दिया, बे अलिफ बा जीम अलिफ चा बाजा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, एक और वर्ड की आपको प्रैक्टिस करके बता देती हूँ, चेरिचा चेरिचा चाचा। अभी मैंने आपको लिखना बताया भी है, चाचा अलीमत आ, थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ अलीमत आ लिखना है, इसके साथ ज्वाइन नहीं करना क्योंकि ये एक सेंटेंस की शक्ल भी देता है, चाचा आ चाचा आ। एक और लफ्ज हम लिख लेते हैं, बल्कि सेंटेंस है ये, अलिफ मद आ पे अलिफ पा आपा। वन फिंगर डिस्टेंस आप दें। नेक्स्ट लिखेंगे आज आपा आज अलिमदा जी आज, फिर वन फिंगर डिस्टेंस दिया आ, ये हमारा सेंटेंस बन गया आपा आज आ। जब आपने सेंटेंस राइट करना है तो इसके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस लाजमन दें ताकि वो सेंटेंस की शक्ल नजर आए, आपा आज आ। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने सफा नंबर 15 की लिखाई कैसे करनी है। आप अपनी कॉपीज में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।